नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं एमवाई न्यूज। दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए आईपीएल 2017 में एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो गई है और अब वे आज होने वाले किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच खेलने के लिए उपलब्ध भी रहेंगे। इस बात का खुलासा दिल्ली डेयर डेविल्स टीम मैनेजमेंट ने अभी किया है। दरअसल श्रेयस अय्यर आईपीएल 2017 के कुछ दिन पहले ही टीम से बाहर हो गए थे और हमारे चैनल ने इस बात की खबर भी दिखाई थी। दरअसल श्रेयस अय्यर को चिकन पॉक्स हो गया था और डॉक्टर और फिजियो ने उन्हें 10 दिन तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन अब श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट हैं और वह दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। दरअसल श्रेयस अय्यर के टीम से बाहर हो जाने के कारण दिल्ली डेयर डेविल्स को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अय्यर के टीम में ना होने से उनके स्थान पर आदित्य तरे को ओपनिंग कराई जा रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर की अब टीम में वापसी हो गई है और वह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ ओपनिंग भी कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली डेयर डेविल्स टीम मैनेजमेंट का कहना है कि अगर श्रेयस अय्यर टीम में स्लॉट में फिट बैठते हैं तभी वे टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन शायद उन्हें आदित्य तरे के स्थान पर टीम में मौका मिल जाए। न्यूज़ रिपोर्ट्स एमवाई न्यूज़।